नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिव कटारी और स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो दोस्तों, आज आपको मैं बलिनो जो 2022 मॉडल है उसके अल्फा इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में कुछ हिडन फीचर बताऊंगा जो आप लोगों को नहीं पता होंगे और इसमें क्या क्या फीचर दिए गए हैं। आपको बात करें इस इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो भाई ये इंफोटेनमेंट सिस्टम सिर्फ अल्फ़ा में आता है, अल्फ़ा और अल्फ़ा ऑटोमेटिक में जो है उसमें आता है। जो इससे छोटा वेरिएंट है उसमें 7 इंचेस का आता है, ये 9 इंचेस का इन्फोटेनमेंट सिस्टम है। ये स्मार्ट प्ले प्रो प्लस है और जो इससे नीचे जेटा वेरिएंट आता है उसमें स्मार्ट प्ले इन्फोटेनमेंट सिस्टम आता है। तो बात करें आपको लेफ्ट से राइट तक आपको मैं बताता हूँ, ये फेवरेट्स है। इसमें आप जैसे फिर उसमें आपने क्या क्या डाल रखा है, मोड, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, वॉलपेपर मोड वगैरह। देखो जैसे वॉलपेपर आपको क्या क्या चाहिए, एनालॉग डाला हुआ है, एनालॉग चाहिए तो डिजिटल हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। अभी आपको करके बताता हूँ, देखो जैसे डिजिटल है ये, देखो अभी डिजिटल आ गया। दोबारा करेंगे, फेवरेट में गए, मोड में गए, सॉरी इसमें गए, वॉलपेपर मोड में गए, इसमें डिजिटल था, इसको एनालॉग कर देंगे तो ये एनालॉग आ जाएगा। देखो ये एनालॉग आ गया। और इसमें पेयर डिवाइस में बात करते हैं तो इसमें ब्लूटूथ डिवाइस वगैरह आप पे कनेक्ट कर सकते हो। आप इसमें ये ऐसे सर्च करेगा और फिर इसके बाद आप ऐड कर सकते हो अपना कोई भी डिवाइस इसमें और सुन सकते हो सॉन्ग्स। बैक करते हैं, ये आपके USB कनेक्ट के लिए है। आप USB लगाओगे तो जैसे आपको मैं बता देता हूँ, USB कनेक्ट करिए, कनेक्ट होगी, एप्पल कारप्ले शो करेगा आपको। ये एप्पल कारप्ले आ गया, इसको रिमूव कर देते हैं, फिर आपको इसके बारे में भी बताएंगे। बात करें इसकी इधर की, ये आपको फ्यूल इकोनॉमी बताएगा कि कितनी गाड़ी में रेंज रहेगी, कितनी एवरेज दे रही है और कितने किलोमीटर पर लीटर ये एवरेज चलती है तब देती रहती है। इसमें आपको फुटवेयर लाइट मिलती है, इधर आपको शो करता हूँ मैं। देखो खिड़की खोलूँगा, देखो अभी लाइट जल गई ना, आपको यहाँ दिख रहा होगा ये लाइट, ये उसके लिए है, लिंक्ड विद लाइट, लिंक्ड विद डोर्स और ऑफ। आप इसमें से क्या करना चाहते हो, इसकी सेटिंग यहीं से हो जाएगी। आपको इसमें MID में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी डोर अनलॉक की, आप इसमें एक सिर्फ ड्राइवर डोर अनलॉक करना चाहते हो या ओल्ड डोर, मैंने आपको पुरानी वीडियो में भी बताया था कि ये चाबी से भी हो जाता है, अगर आप ऐसे करोगे तो ये ऐसे भी हो जाएगा, इसमें कुछ और इश्यू नहीं है। और तीसरा इसका AC मोड वाइल एंडिंग स्टॉप इकोनॉमी में ये फीचर है। लेन चेंज ब्लिंकर ये आपको दिखाएगा, जब आप लेन चेंज करोगे तो एक ब्लिंक करेगा उसमें, वो भी आपको मैं शो करूँगा। 1 टाइम 2 टाइम ये दिखा रहा है। इसके बाद आ जाते हैं, बैक करेंगे, फिर ये आपको एवरेज स्पीड और फ्यूल इकोनॉमी दोनों डैशबोर्ड में दिखा रहा है। और इसके बाद ये वार्निंग है, कुछ चीज़ अगर आप चलती गाड़ी में लो फ्यूल हो गया, सीट बेल्ट नहीं पहन रखी होगी या पार्क असिस्ट वगैरह ये कुछ भी आएगा तो वो आपको शो करेगा। इसमें को बता दो भाई, इसमें आर्क में इसका 4 स्पीकर और 2 ट्विटर का सिस्टम आता है। 2 ट्विटर आपको यहाँ दिए गए, एक येरा और एक येरा ट्विटर, और 4 स्पीकर आपको यहाँ दिए गए हैं, 2 फ्रंट में और 2 बैक में। इसकी आपको ऑडियो क्वालिटी भी आपको मैं चेक करवा देता हूँ अभी। एप्पल कारप्ले कनेक्ट हो गया, इसे म्यूजिक डालता सर्च, step by step the clock is ticking but there's no time for me. I've been flying from town to town. दोस्तों, आपको इसमें एक वेलकम फीचर और मिलता है, जैसे आप गाड़ी में सुबह स्टार्ट करोगे तो आप इसमें मैसेज टाइप कर सकते हो, गुड आफ्टरनून। आपको इसको एडिट करके जैसे भी गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी आपको मैसेज चाहिए ना, आप जैसे ही गाड़ी सुबह स्टार्ट करोगे तो आपको ये मैसेज देगी सुबह भी, जब भी आप गाड़ी स्टार्ट करोगे। तो ये ऐसा कुछ इसमें एक यूनिक फीचर है जो किसी गाड़ी में नहीं है। दोस्तों, आपको अगर कुछ सेटिंग वगैरह भी करनी है तो आपको सेटिंग्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप इसको जैसे ऊपर से इसको करोगे तो इसी में से आ जाएगी, ये आ गई सारी चीज़ सेटिंग, उसमें डीपली जाने भी आपको ज़रूरत नहीं है। और ऊपर से इसमें ऐसे करोगे तो इसमें सारी चीज़ आपको क्विक गाइड वगैरह ये आपको चीज़ें जो है ये कोई नहीं बताएगा जनरल में, जैसे इसके सिस्टम स्टेट वगैरह जो भी लिखा हुआ है ये ऐसे इसमें गाइड दी गई है पूरी,
ये रही टच कंट्रोल्स के लिए कि भाई आप क्या क्या सेट कर सकते हो और क्या क्या होगा। देखो सारी चीज़ों के लिए आपको इसमें प्रॉपर गाइड दिया गया हुआ है कि इसको इधर प्लेस कर सकते हो और इसको उधर प्लेस कर सकते हो। और ये टच पैनल बटन्स के लिए है, ये रे पैनल्स बटन जो आपको यहाँ शो कर रहे हैं, ये मतलब गाइड आपको दिए गए हैं स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल आपको कैसे क्या क्या करना है। ये देखो नई बलिनों पुराने बलिनों के दिए गए हुए हैं। और बात करें वायरलेस कनेक्शन की तो ये रे पेयर फोन आईफोन पेयर फोन वाई फाई बॉक्सिंग फेवरेट कंटेंट कॉलिंग वगैरह सारी चीज़ इसी में है। वो कैसे आपको कॉलिंग करनी है क्या है मतलब दबाना जो जो है ये फीचर नॉर्मली जो है क्विक गाइड में सब कुछ दे रखा है। आपको फ़ोन लिंकेज कैसे करना है, एप्पल कार प्ले एप्पल ऑडियो एरा सेटअप एप्पल कार प्ले प्रकार सिस्टम इन योर आईफोन कनेक्ट योर आईफोन टू द सिस्टम वी आई यूएसबी से होगा ये एप्पल कार प्ले और एंड्रॉयड ऑटो दोनों। ये पर्सनलाइजेशन के लिए आपको इमेजेज अपने वॉलपेपर वगैरह क्या क्या लगाना सब कुछ इसी में आएगा। ये मीडिया के लिए आपको दिया गया है सोर्स सिलेक्शन कैसे करना है आपको जो मैंने आपको बताया था। ये सराउंड साइंस के लिए जो मैंने आपको दिखाया था पहले वही है मतलब जो कुछ भी है गाइड में सब कुछ यही दिया गया है आपको। सेफ्टी अलर्ट वगैरह क्या क्या है गाड़ी में देखो सब कुछ 360 कैमरा एक्टिव वॉइस का सब कुछ इसी में दिया गया हुआ। देखो टच कंट्रोल टच पैनल बटन सब कुछ इसी में दिया गया हुआ आपको। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।